अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत ओल्ड एज होम में कार्यरत युवती के साथ 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा विनय भंग किए जाने का मामला सामने आया है। अजनी पुलिस स्टेशन परिसर में ओल्ड एज होम में रात की शिफ्ट में नौकरी कर रही 19 वर्षीय युवती के साथ मंगलदीप नगर प्लॉट नंबर 122 निवासी आरोपी सुनील वर्गीस ने वहां पहुंचकर विनय भंग किया। दरअसल ओल्ड एज होम में रात की शिफ्ट होने से फिरियादी एक रूम में सोई हुई थी। कल पुलिस स्टेशन अजनी में शाम के समय में एक 19 साल की पीड़ित महिला है जिन्होंने आके पुलिस स्टेशन में तकरार दी है कि वो पिछले दो दिन से अनुग्रह हेल्थ केयर सेंटर एंड ओल्ड एज होम नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपी सेंटर में नर्स का काम कर रही थी। 19 तारीख के नाइट में अपने काम को रात को 9 बजे आई थी और उसी रात को वहाँ पे कोई डेथ पर ओल्ड एज पर्सन की डेथ हो गई थी। तो ये नर्स घबरा गई, उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं घबराई हूँ, मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने कहा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, यहीं सो जाओ, सवेरे चले जाना। तो जो पीड़ित महिला थी ये डॉक्टर के रूम में रात को सोई थी, उसी रूम में डॉक्टर का एक 9 साल का बेटा भी सोया था। रात को 1 बजे वहाँ के वो डॉक्टर रूम में आए और उन्होंने वो पीड़िता महिला के शरीर को स्पर्श किया, पैर को स्पर्श किया, इस प्रकार उनका विनय भंग किया। उससे वो पीड़ित महिला घबरा गई, उन्होंने चिल्ला और रोना चालू किया। डॉक्टर वहाँ से हट गए और उन्होंने फिर सवेरे घर जाके ये बात अपने माँ को बताई और घबराई हुई थी काफ़ी। कल उन्होंने फिर वो शाम को हिम्मत बंधा के पुलिस स्टेशन में आके तकरार दी है। हमने कलम 354 भाजपा के अनुसार उन्हें दाखिल किया, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहां पर आरोपी सुनील पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके बाद इस घटना की शिकायत युवती ने पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।